दिल्ली महिला आयोग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली सीएम ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया और साथ ही दिल्ली महिला आयोग की जमकर सराहना की है। देखिए, भारत समेत पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली महिला आयोग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की खूब प्रशंसा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग आज देश के लिए मिसाल बन गई है। दिल्ली महिला आयोग को इतना वाइब्रेंट बनाया है, जैसे अभी स्वाति जी कह रही थी कि इनके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जो दिल्ली महिला आयोग था उसने 8-9 साल में एक केस किया था और इन लोगों ने 5 साल में 1.25 लाख केस किए हैं। महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिलाओं बेटियों के लिए चाहे वो अवसर देने की बात हो या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी अरविंद केजरीवाल ने सबके समक्ष रखा। हमने बसों में बच्चों की, ये महिलाओं की टिकट फ्री करी। उस टाइम बड़ा वो हुआ था कि केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है, केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है, लेकिन अगर आप उसकी भी कहानियां सुनोगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत गरीब घर से आती हैं, फल बेचती है। अब वो, उसके पास पैसे नहीं थे, वो जितना पैसा वो कमाती नहीं, बेचारी बस के किराए में खर्च दिया करती थी। अब वो अगर बस का किराया फ्री हो गया तो वो दूर कई जगह जाके फल बेच सकती है। महिलाओं की बुलंद आवाज बनी दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने भी महिलाओं के हौसले को बढ़ाया और दिल्ली सरकार के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में कई ऐतिहासिक कार्य दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए हैं। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास हैं। मैं कितने दिल्ली पुलिस के ऑफिसर से मिलती हूँ जो मुझे बताते हैं कि कैसे वो सीसीटीवी कैमरास ने उनको, बच्चियों को, महिलाओं को ढूंढने में मदद करी है। साथ में दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, जिसका असर हमको सही मायने में कुछ सालों में देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम, बिजनेस ब्लास्टर्स जैसे अभी आपने देखा, जैसे कई अनोखे कार्य चल रहे हैं जिनमें बच्चों को अच्छा और सफल इंसान बनने की शिक्षा दी जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन महिलाओं बेटियों को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया जिनके जज्बे को हर कोई सलाम करता है, जिनके बुलंद हौसले की कहानी हर किसी के जुबान पर है। इस कार्यक्रम का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया ताकि इन महिलाओं बेटियों से देश भर की हर महिला को प्रेरणा मिल सके। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।